हेलो प्रिंस, आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में क्यूआर कोड बनाना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी लिंक या टेस्ट जो भी है, आप उसका क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहले आप यहाँ से फाइल में आएंगे, आप चेक करेंगे कि आपका कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन है। ठीक है, ये जो हम चला रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019 है। ठीक है, इसमें ये काम करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे इंसर्ट पे आओगे। ठीक है, यहाँ पे एक दिया है माय एडेंस। ठीक है, इस पर आप फाइंड आउट करना और यहाँ पे लिखना क्यूआर कोड। ठीक है, और सर्च करना। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है जो पर्सनलाइज्ड क्यूआर कोड जनरेटर, इसकी सबसे हाईएस्ट रेटिंग है, इसको आप क्लिक करना। और यहाँ से जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इस पर आप चेक करना और कंटिन्यू कर देना। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे वो जो हमने वहाँ से एडेंस किया, यहाँ पे देखो वो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या मांग रहा है, कोई भी आप लिंक यहाँ पे जो भी टेस्ट लिखोगे, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आपको क्यूआर कोड में कंटेंट में यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम मान लो यहाँ से गूगल क्रोम ओपन करते हैं। ठीक है, गूगल क्रोम ओपन हो रहा है, यहाँ पे सर्च करते हैं यूट्यूब सर्च किया, यहाँ से आते हैं, यहाँ पे एक चैनल का क्यूआर कोड बनाते हैं जो भी हमारा है। यहाँ से लर्न स्टडी 001। ठीक है, इंटर करते हैं। यहाँ पे देखो ये चैनल का आ गया ना, यहाँ पे देख सकते हो ये चैनल पूरा आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये देखो लिंक है इस चैनल की, यहाँ से हम कंट्रोल सी कर लेते हैं, हो गया कंट्रोल सी। अब इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, इसी का हमें ये क्यूआर कोड जनरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और यहाँ से कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, जो भी हमने वहाँ से कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो फाइल फॉर्मेट, जो आपका क्यूआर कोड बनेगा वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे JPG है। ठीक है, आप PNG में, GIF में भी रख सकते हो, JPG में हम रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये साइज कह रहा है, जो भी आप साइज दोगे। ठीक है, मान लो आप बढ़ा सकते हो इसकी साइज, तो यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे देखो ये देखो सिलेक्ट प्राइमरी कलर, ये देखो ब्लैक में है प्राइमरी कलर। अगर आप यहाँ से अभी आपका कोड जो क्यूआर कोड जनरेट होगा वो ब्लैक में, फिर यहाँ से सिलेक्ट ये बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जैसे जनरेट पे क्यूआर कोड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड बन के रेडी हो जाएगा। देखो इस तरह ये देखो JPG में बन के रेडी हो गया। इसको यहाँ से रैप पोजीशन में इसको रैप कराते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ से इसकी जूम कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये बन के रेडी हो गया, इसको चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से हम स्कैनिंग करते हैं इसकी क्यूआर कोड की। ठीक है, स्कैनिंग यहाँ से कर रहे हैं, देखो सही है, यहाँ से ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखो जो भी हमने उस क्यूआर कोड से बनाया था, जनरेट किया था, ये लिंक हमने इसी दी जो भी दिया था लर्न स्टडी की लिंक दी थी। तो ये देखो यहाँ से आप क्यूआर कोड बहुत ही आसानी से बना सकते हो। और भी अगर आपको कलर चेंज करना है, ठीक है, तो कलर अगर आपको चेंज भी करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। इस तरह यहाँ पे आना, जैसे अभी इस कलर का इसको डिलीट करते हैं। यहाँ से अगर हमें दूसरे कलर का चाहिए, मान लो यहाँ से सिलेक्ट प्राइमरी कलर, आपको मान लो रेड चाहिए, यहाँ पे रेड पे आते हैं। ठीक है, हमने रेड पे क्लिक किया, सिलेक्ट कलर, ओके। ठीक है, रेड हो गया, और बैकग्राउंड वाइट ही रहने देते हैं, फिर जनरेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बन के आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी कलर का भी आप जनरेट कर सकते हो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करो, और नई नई वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।